माय मोटिवेशनल जोन। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि कई बार हम बहुत सारी बातें लोगों से करते हैं, इट मींस कम्युनिकेशन। उस कम्युनिकेशन में हम चाहे वो एज अ हाउसवाइफ करें, एज अ एम्प्लॉय करें, एज अ फ्रेंड करें और एज अ रिलेटिव करें, कई बार हम जो बात करते हैं उसमें बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम गड़बड़ कर देते हैं। तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, चाहे हम घर में ही अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही क्यों ना कम्युनिकेट। लेट्स स्टार्ट वीडियो विद 10 स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इन किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है जब हम कम्युनिकेट करते हैं। सो नंबर वन इज फिगर आउट व्हाट यू वांट टू से। आपको किससे क्या बात करनी है, सबसे पहले आपको फिगर आउट करना है कौन सी बातें करनी है, क्या चीजों पे डिस्कस करना है। जब तक आप वो पहले एक फ्रेम नहीं बनाएंगे कि आपको क्या बात करनी है, किस मैटर पे बात करनी है, तब तक आप किसी भी पर्सन से बात नहीं कर सकते हो। घर में बात करनी है तो भी आपको फिगर आउट करना है, बाहर बात करनी है तो भी फिगर आउट करना है, जॉब करते हैं वहां बात करनी है, ऑफिस में अपने बॉस से बात करनी है, एम्प्लॉयज से बात करनी है, कलीग से बात करनी है। तो यू हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग, देन यू कैन टॉक, यू कैन कम्युनिकेट। उससे क्या होगा कि गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि आपको पता है आप किस लेवल पे क्या बात कर रहे हैं। आपकी बातचीत बहुत ही लिमिटेड रहेगी और सोची समझी रहेगी। सो ऑलवेज फिगर आउट दैट। अगर ये सब बात याद रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कम टू द नंबर टू। नंबर टू इज डिसाइड व्हाट यू नीड फ्रॉम योर स्पाउस, फ्रॉम योर फ्रेंड, फ्रॉम योर रिलेटिव्स और सो ऑन। आपको क्या, किस बारे में बात करनी है, व्हाट यू नीड, किस लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पहले ही पता होगा देन अकॉर्डिंगली यू कैन टॉक और यू कैन डिस्कस। चाहे आपको अपने बॉस से बात करनी है, चाहे आपको अपने घर में स्पाउस से बात करनी है, चाहे अपने चिल्ड्रन से बात करनी है, आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपना बात कर सकते हैं। सो आपको पता होना चाहिए। कई बार हम कहीं से भी बात शुरू कर देते हैं, दैट नेवर वर्क। हमें पता ही नहीं है एक्चुअल हमें किस मुद्दे पे बात करनी है, किस टॉपिक पे बात करनी है, बट हम बात करते रहते हैं, कहीं से भी शुरू हो जाते हैं, वो बात कहीं भी खत्म होती है जाके, लेकिन जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो हम नहीं ले पाते या वो हम बात नहीं कर पाते हैं। तो हमें इन चीजों का बहुत। नंबर थ्री, ऑलवेज रिमेंबर यूज गुड जजमेंट इन टाइमिंग। आपका जो टाइम है वो परफेक्ट होना चाहिए। कई बार हमारी टाइमिंग सही नहीं होती, हमें बॉस से छुट्टी चाहिए मगर हमारी टाइमिंग सही नहीं है, बॉस का मूड खराब है, हमें वो टाइमिंग हमारी इतनी गड़बड़ है कि हमें छुट्टी मिलने के चांसेस होते हैं तो भी नहीं मिलते हैं क्योंकि हमारी टाइमिंग सही नहीं है। घर में स्पाउस मींस आपका जो हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, कोई भी स्पाउस हो सकता है, तो अगर उसका मूड ठीक नहीं है, आप उस समय कोई बात करेंगे तो आपकी टाइमिंग गलत है। तो आपकी टाइमिंग बहुत सही होनी चाहिए, किससे कब क्या बात करनी है। तो ये टाइमिंग आपको सही तरीके से जजमेंट दिलाती है और आपका जो वर्क होने को होता है वो अगर टाइमिंग सही है तो हाफ वर्क तो आपको वैसे ही हो जाता है, पर अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं है, आपने गलत टाइमिंग में वहां पे कोई भी मैटर आपने रखा है तो आपका काम नहीं बनेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, यूज गुड जजमेंट इन टाइमिंग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेक आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट आपको बराबर, आप जिस भी पर्सन से बात कर रहे हो उसके साथ आई कॉन्टेक्ट के साथ बात करिए। चाहे आप ऑफिस में हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, फैमिली में हैं, कहीं भी हैं, एक्स वाई जेड, आई कॉन्टेक्ट करके बात करिए। इससे आपके फोकस का पता चलता है, आप अपनी बात बहुत आराम से कह पाते हो और आपको सामने वाले को देख के बात करने से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि अगला आपकी बात को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है या आप अपनी बात को अगले को किस तरीके से समझा पा रहे हो। तो आई कॉन्टेक्ट होना बहुत जरूरी है। गेट योर स्पाउस, फ्रेंड्स, बॉस एंड सो ऑन अनडिवाइडेड अटेंशन। हियर द मीनिंग ऑफ अनडिवाइडेड अटेंशन मीन्स कि आप जो बात कह रहे हो अगला पर्सन आपकी बात को बिना इधर उधर देखे आपकी बात पे अटेंशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। पता चला अगला तो कहीं और देख रहा है और आप उससे बात किए जा रहे हैं, अगला आपको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे, तो आपकी बात में भी इतना बजम होना चाहिए, इतना अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, अपनी बात करने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाले का जो अटेंशन है वो डिवाइड ना हो, वो इधर उधर ना भटके। तो इस चीज का आपको खास ख्याल। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बोले ही जाते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। आपने जो कहना है वो आप कह दो,
कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, उनको जो बोलना है उन्हें बोलने से मतलब है। वो कभी ध्यान नहीं देते कि उनकी बात को कितने लोग सुन रहे हैं और कितने लोग नहीं सुन रहे हैं। सो दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो नंबर सिक्स पॉइंट इज बी अ गुड लिसनर। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है। सारी दुनिया बोल रही है, आप देखिए बहुत सारी लेडीज घर के बाहर खड़ी हुई कितनी पड़ोसियों से बातें करती हैं, करते रहिए, कितने सुन रहे हैं कितने नहीं सुन रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बातें जब तक नहीं सुनी जाएंगी तो आपके बोलने का फायदा क्या है। और ये वाइस वर्सा होता है, अगर हम आपसे बोल रहे हैं तो आपको सुनना है तो हमें भी आपकी बात को सुनना है, तो ये वाइस वर्सा होना चाहिए। दोनों को कम्युनिकेट करते टाइम ध्यान रखना है कि एक दूसरे की बात को बहुत ध्यान से सुने। सो ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कन्फर्म दैट यू वर हर्ड। यस, दिस इज द सेवेंथ पॉइंट कि आप जो भी बात कर रहे हो ये कन्फर्मेशन जरूर होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात सुन रहा है या सामने वाले ने आपने जो भी बातें कही हैं, जो भी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हुआ है उसमें से कितने परसेंट उसने सुना है, एग्जैक्टली क्या सुना है, ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ये कंफर्म होना चाहिए कि जो मैटर जो पॉइंट आप समझाने की कोशिश कर रहे हो क्या अगले की समझ में आई है, क्या ये चीजें कंफर्म है कि आप जो बताना चाहते हो जिस भी बारे में क्या वो अगले ने सुना है। ये चीजें आपको कंफर्म जरूर करनी चाहिए, चाहे उसके लिए आपको उसे यू आस्क अगेन एंड अगेन, दोबारा पूछने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी श्योर कि आपने जो बात अगले से कही है वो अगले को समझ में आई है और अगले ने ध्यान से सुनी है। सो इट शुड बी कन्फर्म दैट यू वर हर्ड बाय सम। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है दैट आफ्टर योर स्पाउस, आफ्टर योर बॉस, आफ्टर योर रिलेटिव एंड सो ऑन, जो कुछ भी दे हैव टोल्ड इट शुड बी कन्फर्म और रीफेस ऑल्सो दैट You understood that or not? या फिर जो कुछ भी उन्होंने कहा है exactly वही है या something और? कई बार क्या होता है आपने देखा होगा कि एक first person जो exactly कहता है वो second person को जो बात सुनने में आती है वो third person को जाके उसको घुमा के कुछ और करता है, कहता है उसको समझ में कुछ और आया है and third person is coming to the फोर्थ पर्सन एंड देन समझ में आती है कि किसी और ने उस बात को पूरा ट्विस्ट कर दिया है और उसके बाद उस बात का पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। सो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जो भी आपके स्पाउस ने बोला है या आपके फ्रेंड ने बोला है वो एग्जैक्टली वही चीजें हैं भी या नहीं, तो इन चीजों को रीफ्रेज जरूर करें, दोबारा जरूर सोचें कि क्या यही बोला था उसने, कहीं कुछ और तो नहीं बोला था, आपको सुनने में मिसकम्युनिकेशन हुआ है। सो This is very, very, very important point that is convey respect. Whatever you're talking to someone, चाहे वो आपसे छोटा है या बड़ा, अपनी respect का medium आप बहुत अच्छा रखें। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी बोल दें, अपने words को बहुत ही measurement के साथ बोलें, अपनी respect बराबर कायम रखें। So while talking, while conversing, convey your respect to everyone. ऐसा ना हो कई बार हम respect करना भूल जाते हैं, अपनी बात तो कहते हैं मगर हम ये भूल जाते हैं कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने हस्बैंड से बात कर रहे हैं तो वो आपका हस्बैंड है, आप कुछ भी बात करोगे। ओके, सो ऐसा नहीं है, आपको रिस्पेक्ट एक बना के रखनी है। अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो भी आप मजाक करते हैं सोके, बट उसके साथ भी एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग फिर भी रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस डालती हैं हमारी लाइफ में, और जरा सा हम उपटांग बोल देते हैं उससे पूरा कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। तो जो कुछ भी हम बोलते हैं वर्ड्स की बहुत वैल्यू होती है, हमें हमेशा बोलने से पहले सोचना चाहिए। बहुत सारे रिश्ते खराब इसीलिए होते हैं कि वो कुछ भी बोल देते हैं, बच्चों को देखिए कुछ भी उठा के बोल देंगे, मीन्स उनको यही नहीं पता है कि हमें कब कहाँ कैसे किससे बोलना है। अगर आप किसी बड़े से बोल रहे हो तो बच्चों को कई बार नहीं पता होता है कि वो किससे कैसे बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें अगर पेरेंटिंग की बात करें तो भी हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि कन्वे रिस्पेक्ट वाइज। लास्ट पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट एंड चूज बेस्ट मीडियम व्हाइल टॉकिंग। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, कम्युनिकेट कर रहे हो डरने की कोई बात नहीं, आपको अपनी बात कहना आना चाहिए। जिस पर्सन को अपनी बात कहना नहीं आता कोई फायदा नहीं फिर, लेकिन कम्युनिकेशन का एक बेस्ट वे होता है। अगर आप बोल कर नहीं कह सकते हो, अगर आपको बॉस से कुछ कहना है, कुछ एडवाइस देनी है, सजेशंस देने हैं, कुछ भी कहना है, तो अगर आप बोल के वर्बल नहीं कह सकते हो तो अपनी नॉन वर्बल यू कैन से बेस्ट मीडियम आप चूज करिए। इन राइटिंग यू कैन, इन टेक्स्ट यू कैन गिव व्हाटएवर यू वांट टू से।
तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वॉट एवर यू आर कम्युनिकेटिंग टू अदर्स, और दूसरा आपका बेस्ट मीडियम होना चाहिए कि आपको किस वे में क्या चीज कहनी है, वेदर इट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल, बेस्ट वे तो आपको चूज करना ही पड़ेगा अपनी बात को कहने का. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर द की टू सक्सेस. सो बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद अंजू.